अभिषेक जी, क्या है ये मसला हिजाब वाला? एक्चुअल में सानू जी, ये मसला इस बात का है कि एक कॉलेज है उडम्पी में, वहाँ के 6 छात्राओं ने वहाँ के ड्रेस कोड का जो है वो बहिष्कार कर दिया और वो हिजाब पहनकर आ गई। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा गलत बात है। अगर ड्रेसिंग सेंस रहता है तो मानना ज़्यादा ठीक रहता है। किसी एक पर्टिकुलर ड्रेस को पहन के आए आप जो आपके धर्म को दिखाता है, ये अच्छी बात नहीं है। फिर तो ऐसा हो जाएगा मामला कि हर बच्चा जो अलग अलग धर्म का होगा अलग अलग तरीके के कपड़े पहन के आएगा, और इससे जो है वो समानताएं दिखेंगी नहीं, विभिन्नताएं दिखने लग जाएंगी। नॉर्मली होता क्या है, परिवर्तन किसी को भी बर्दाश्त नहीं होता है, चाहे वो अच्छी स्थिति के लिए हो चाहे फिर बदतर स्थिति के लिए हो, बर्दाश्त होना नहीं है। मेरे हिसाब से सुरक्षा कारणों के चलते ये बैन लगाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए हिजाब जब आप पहनते हैं तो आप पूरा ढके हुए होते हैं, तो सुरक्षा कारणों के चलते जो है बैन लगाया जाता है। तो सर इशू क्या है इसके अंदर? मतलब इशू ये है कि मेरे हिसाब से जो छात्र का धर्म होता है वो एजुकेशन होता है और उसका कोई धर्म नहीं होता, तो ड्रेसिंग सेंस जो है अगर उसकी क्वालिटी बनी रहे तो ज्यादा अच्छा। लेकिन आज ये धर्म विशेष में बढ़कर ये एक्चुअल में सियासती मामला है, इसमें ना लोग अपनी रोटियां सेकने लग जाते हैं बस, और कोई मामला नहीं है, सरकार अपनी रोटियां सेकने लग। तो क्या क्या अभिषेक जी, मतलब एक तरीके से सही है कि बच्चे ज्यादा राजनीति की तरफ झुकाव रख रहे हैं? राजनीति की तरफ बच्चों का झुकाव नहीं होता है। हाँ। राजनीति की तरफ उन्हें ढकेला जाता है, उनके दिमाग में गलत चीजें डाली जाती है। बाहर के जो स्कूल होते हैं जैसे अमेरिका वगैरह के, आप देखोगे स्कूल में ना क्या होता है, वहाँ पे ड्रेस नहीं होती, बच्चे कुछ भी पहन के आ जाते हैं। एक्चुअल में क्या है, जैसे देखिए, जैसे आप अमेरिका की बात करें तो आप विश्व स्तरीय बात कर रहे हैं, तो आपको मैं बता देता हूँ हिजाब पे ना आज से प्रतिबंध नहीं चल रहा है। 2004 में यूरोपीय देशों में सबसे पहला देश है फ्रांस जिसने हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया। निकोलस सरकोजी वहाँ के राष्ट्रपति थे, उन्होंने 2004 में पहली बार वहाँ पे प्रतिबंध लगाया। क्या वहाँ प्रोटेस्ट नहीं हुए? हुए, लेकिन प्रतिबंध लगा और जुर्माना भी लगाया साथ में। और ऐसे बहुत सारे देश हैं जिन्होंने ये प्रतिबंध लगाया, मैं आपको डेटा दे सकता हूँ, फ्रांस, जर्मनी, रूस, नीदरलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम, बुल्गेरिया, इन सभी देशों ने। तो सर वैसे ये जो है ये सब तो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं ना? ऐसा कुछ नहीं है सर जी, ऐसे बहुत सारे देश हैं, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो मुस्लिम बाहुल्य हैं, उन्होंने भी सुरक्षा कारणों के चलते हिजाब पर प्रतिबंध लगाया है। आपने कौन कौन से देश बताए थे, क्या नाम? मैंने देश बताया आपको, जैसे फ्रांस, फ्रांस ने, मेरे पास डेटा है, फ्रांस ने 2004 में ही इसे बैन कर दिया था, स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में, इन सब जगहों पे बुरके या हिजाब नहीं पहने जाएंगे, इस पर बैन लगा दिया गया। सिर्फ स्कूल कॉलेज में या और भी कहीं? फिर इसके बाद 2011 में फ्रांस सरकार ने ही सार्वजनिक प्लेसेस पे, मतलब आम जगहों पे भी बैन लगा दिया। और इसके बाद वहाँ के जो राष्ट्रपति थे निकोलस सरकोजी ने एक बयान दिया कि जो लोग बुरके पहन के आएंगे या हिजाब पहन के आएंगे उनका फ्रांस में कोई स्वागत नहीं किया जाएगा। ऐसे और भी देश हैं, जुर्माने के तौर पर इन्होंने एक राशि भी लगाई, 13,000 रुपये, अगर कोई औरत है वो पहनती है हिजाब तो उसे 13,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। और अगर मान लो कोई पुरुष है वो इसे इस बात के लिए बाध्य कर रहा है कि आपको हिजाब पहनना ही है, तो उसके ऊपर 26,00,000 का जुर्माना ठोकने की बात की गई, टोटल 26,00,000 रुपये। आप सोचिए, ऐसे और भी देश हैं। रूस ने इसका समर्थन किया, 2012 में इसने भी हिजाब पे बैन किया और उसने कहा भी कि जो सुरक्षा कारण है इसी के चलते इस पर बैन लगाया जा रहा है। नीदरलैंड है, डेनमार्क है, बेल्जियम है, बुल्गेरिया है, ये सब तमाम देश हैं जिन्होंने इन सब चीज़ों पे बैन लगा दिया। एक और बात मैंने आपको बताई कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों में है या क्रिश्चियन बाहुल्य क्षेत्रों में, बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें हिजाब पर सुरक्षा कारणों के चलते प्रतिबंध लगाया गया है। सर ये आप जो कह रहे हैं सुरक्षा कारण, मतलब अगर मान लो कोई जैसे कि लड़की हो गई वो बुर्का पहन करके आती है, तो इसमें क्या सुरक्षा, या हिजाब पहन के आती है सुरक्षा का मामला इसमें? एक्चुअल में मैं आपको एक बात समझाता हूँ, चाड में एक बम विस्फोट हुआ, एक चाड एक जगह है वहाँ एक बम विस्फोट हुआ, और जब वो बम विस्फोट हुआ तो ये मामला वही था कि सुरक्षा कारण जो है, सुरक्षा कारण जो मैं आपको बता रहा हूँ, उस समय जो विस्फोट हुआ था वो एक बुर्का वाले के चक्कर में ही हुआ था, इसीलिए सुरक्षा कारणों को वो ध्यान में रखा जाता है। मामला ये है, जैसे क्या होता है नॉर्मली जब लोग पूरा हिजाब पहनते हैं, पूरा बुर्का पहन लेते हैं, तो उनकी चेकिंग सही से नहीं हो पाती है या हम अंदर वाले चेहरे को सही से पहचान नहीं पाते हैं। नॉर्मली एक बंदा पूरा दिख रहा होता है, उसमें दिख नहीं रहा होता है, मामला यही है। प्रियंका गांधी जी का ना एक ट्वीट आया था कि महिलाएं चाहे बुर्का पहने चाहे घूंघट करें, ये उनका अधिकार है, मतलब उनकी कॉल है। प्रियंका गांधी जी बिल्कुल ठीक कर रही है, लेकिन ये मामला स्कूलों तक नहीं है, ये मामला विश्वविद्यालयों में नहीं है, ये सार्वजनिक प्लेसेस के लिए थोड़ी देर के लिए हो सकता है, ये आपकी पर्सनल लाइफ है,
आप अलग जगह पे बुर्का पहन के जाते हैं, ये आपका पर्सनल लाइफ है। लेकिन जब आप कॉलेज में एंट्री लेते हैं या आप अपने स्कूल जाते हैं तो ये बात फिर रह नहीं जाती है, मतलब फिर आपको ड्रेसिंग सेंस में आना ही होगा। तो आपको नहीं लगता कि मतलब कि आपके स्टेटमेंट से मतलब बाकी लोग को गलत लग सकता है? देखिए, आप गलत सही का जो मामला है ये आदमी की सोच पे निर्भर करता है कि कौन किस तरह से सोचता है। सिंपल सी बात है, जैसे एक चीज मेरे लिए सही हो सकती है वही चीज आपके लिए गलत हो सकती है। ऐसा तो है नहीं जो मेरे लिए सही हो आपके लिए भी सही हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का पर्स चोरी हो जाता है, तो जिस व्यक्ति ने चोरी किया है उसके लिए तो बिल्कुल ठीक है कि उसका मामला बन गया, लेकिन जिसका चोरी हुआ वही घटना उसके लिए गलत है या नहीं गलत है?